subscribe and press the bell icon for more updates. जय रिप्टी जी, मैंने तय कर लिया है ये ऐसा प्रयोग मैं फिर कभी नहीं करूंगा जिसे जया को झटका लगने का खतरा, और आप सबसे विनती करता हूं कि उसको सच का पता ना चले और आप ऐसे ही आगे झूठ बोलते रहिए। मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूं क्योंकि मेरी बेटी की जिंदगी का सवाल है। निकल मालपानी, निकल मालपानी, जा। जय भाई, भाई, चतर, चतर, सर पर बोल रही है फादर। ये सच बोल रही है बेटा, ये बिल्कुल सच बोल रही है, इसीलिए ये सच बोलने की जिद। लेकिन तब तक झूठ का अरे खाली बात करने से कुछ नहीं होगा, पहले बिस्किट वाले आओ। लीजिए खाए 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 और कंटिन्यू। एक करा आप तुम दादा। हाँ याद आ गया। क्या कर रहे हैं? अरे खाली बात करने से कुछ नहीं होगा, पहले बिस्कुट वाला आओ। दीजिए लीजिए। खाए 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 चिल्लाओ खाए और कंटिन्यू। हमें तो समझ आ गया। अरे अरे हमरा नाम राम प्रसाद है, हमरा घर बिहार में। अरे हमरा समझ आ गया, हमरा नाम राम प्रसाद है, हमरा घर बिहार में है। बम्बई में बिहार कहाँ से आ, बिहार कहाँ से आ गए? अरे वो जो नाला सोपारा स्टेशन के आगे पड़ता है वो वाला बिरार। आप रहने दीजिए, आप याद आ गया ना तो हमको कुछ इतना बता दीजिए कि हमारे सोने का कंगन वहां कहाँ रखे हैं। नहीं याद आ रहा है, एक बार और खाइए। इंकलाब, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। पुष्पावती, हमारे वतन के लिए हमको विदेशी कपड़ा जलाना ही होगा। विदेशी कपड़ा जलाना ही होगा। भगवान, अरे हमारा नाम पुष्पावती नहीं है, हमारा नाम राम बिहारी है और आपका नाम राम प्रसाद है और हम आपकी पत्नी है। तभी याद करने की कोशिश कीजिए ना कि हमारा सुन इन विदेशी कपड़ों को जलाना ही होगा। ये भगवान, ये हम क्या कह रहे हैं जी? अरे हमारा नाम पुष्पा नहीं, राम प्यारी है और आपका नाम राम पुष्पावती। ये भगवान, ये हम क्या बोल रहे हैं जी? हमारा नाम पुष्पावती नहीं, राम प्यारी है और आपका नाम राम प्रसाद है और हम पटना नहीं, हम आपकी पत्नी हैं। अच्छा ठीक है, ये सब छोड़िए, तनिक याद करने की कोशिश कीजिए ना कि वो हमारे सोने के कंगन और कहाँ रखे हैं। तनिक याद करने की कोशिश कीजिए। नहीं याद आ रहा है, एक बार और बिस्किट खाई रहा, खाई रहा, खाई 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 खाई। हाँ कुछ आया याद, आया कुछ याद?
गुलामती, गुलामती, ये कैसा बेहुदा बकवास कर रही हो? होल्ड होल्ड सर, आपको हटना पड़ेगा। एक्चुअली गुलामती, ये कैसा बेहुदा बकवास कर रही हो? सर क्यों नहीं, ये कैसा बेहुदा बकवास कर रही हो तुम? हम अपने राजपाट पर ध्यान दें या फिर उन कंगनों पर? आप कहाँ पर बना रहे हैं जी? वापस कब आए थे? सर अभी नहीं। हमारे घराने की औरतें रोया नहीं करती गुलामती, एक कंगन के लिए इतना पानी मत बहाओ। चलो हम तुम्हें अपना खुफिया खजाना दिखाते हैं। खजाना? वो गए भैया, देखिए देखिए वो गए 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 और टर्न किए। मुझे बाबा, आप मुझे चाय के साथ आयुर्वेदिक बिस्किट देने वाले थे ना, कहाँ है वो? अच्छा, मैं देने वाला था। अच्छा, अवारू अवारू, चुम 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 चुम, वो डिब्बे में था और डिब्बा खो गया। क्या चाहिए तुझे? दीपक ने कहा चाहिए नहीं, वो बोल रही है कि लोखंडे जी ने जया भाभी। जया भाभी? नहीं नहीं, आपने गलत सुना। मैंने जया भाभी नहीं, मैंने बोला जया अभी बिस्किट खाएगी। तो कहाँ है बिस्किट? बिस्कुट तो डिब्बे में था और वो खो गया। हाँ, खो गया वो, है ना प्रेमचंद जी, खो गया ना? हाँ हाँ हाँ, खो गया खो गया खो गया, सबने कहा हाँ खो गया। मालपानी ने कहा हाँ खो गया, मैंने देखा खो गया। जमकर सच्चाई माँ, सच्चाई माँ। बाबा आप कितना डरते हो? मैं आपको मुजरिम के कटघरे पे थोड़ी ना कर रहा। बाबा आप कितना डरते हो? मैं आपको मुजरिम के कटघरे पे थोड़ी ना खड़ा कर रही हूँ। मुझे पता है आप झूठ नहीं बोल। सच्चाई माँ, सच्चाई माँ। नहीं नहीं जिनकारी, वो बाबा को सच्चाई पता नहीं है ना, इसीलिए गलती से उनके मुंह से झूठ निकल गया। बाबा किसी ने ये डब्बा ना किचन में रखा था, ये देखिए। ये लीजिए लीजिए ना, सब लोग बिस्किट दीजिए। देखा सबको बिस्किट खिला रही है। मालपानी ने कहा खाओ खाओ, जिंदा से खाओ, कुछ नहीं होगा, खाओ। खाइए ना बिस्किट, सब लोग खाइए। बाबा आयुर्वेदिक वगैरह सब ठीक है, लेकिन इतना गंदा टेस्ट, कौन बनाता है ऐसे बिस्किट? मारिया मतलब मर गया। हाँ, अब ये टेस्ट को हटाने के लिए ना सबको नींबू पानी पीना पड़ेगा। मैं बनाकर लाती हूँ। वारू वारू, चुम 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 चुम। दादा क्या चाहिए? दीपक चाहिए नहीं, वो हाँ बोल रही है कि लोखंडे ने, लोखंडे जी ने जया भाभी। जया भाभी? नहीं नहीं नहीं, आपने गलत सुना, आपने जया भाभी सुना। मैंने जया अभी बिस्कुट खाएगी ऐसा बोला। हाँ बाबा, तो कहाँ है बिस्किट? बिस्किट तो डिब्बे में था लेकिन वो खो गया। हाँ खो गया, है ना प्रेमचंद जी, खो गया ना? हाँ हाँ हाँ, खो गया खो गया, सबने बोला हाँ हाँ खो गया खो गया। मालपानी हाँ खो गया खो गया, मैंने देखा खो गया। जय माँ।
हो गया चमका दे सच्चाई मां रोलिंग है ये जानकारी ने कहा वो भी ये देखिए चार्ज लोखंड जी पे चार्ज ब्लॉक कटी ने मैं ये लीजिए सब लोग बिस्किट लीजिए चार्ज लोखंड जी पे आप ही का लेना चार सबको दे रही है वहां दिया और कैमरा क्रॉस करके उधर जाके वहां से भी देखते हुए आए एंड आपने हाथ ऊपर देखे एक बार बिस्किट को देख लिया सर ये देखेंगे चार्ज देना है चार्ज निकलने बोलूंगा सर आपको ब्लॉक वहीं से सर जैक को एक लुक देना चार्ज कंटिन्यू सर एक्शन आउट ब्लॉक ध्यान दें मतलब शॉकिंग है क्यों है क्योंकि एक्चुअली दो टाइप्स के बिस्किट है एंड सबको लगा था कि जया जो बिस्किट नहीं लेना चाहिए था वो बिस्किट लेके आई है बट एक्चुअली होता ये है कि जो उन्होंने दूसरे बिस्किट्स बनाए थे जो एक्चुअली जया को लेने चाहिए थे कुछ तो भी स्वॉप हो जाता है एंड जया वही वाले बिस्किट लेके आती है एंड अनफॉर्चुनेटली वो बिस्किट का टेस्ट बहुत ही ज़्यादा गंदा है सो एंड ये जया को पता है तो बेसिकली सब लोग घर के जया को यू नो फूल करने की कोशिश कर रहे थे बट ऐसे कुछ उल्टा ही हो गया घर वाले जया को क्यों ऐसा बेवकूफ़ बनाना चाहते बिकॉज जो बिस्किट्स है वो उसमें ऐसे कोई तो भी जड़ी बूटी टाइप चीज़ है उसमें जिससे शायद जया को कुछ याद आ जाए बिकॉज़ वो बाबा ने कुछ स्पेशल बनाया ताकि जया की जो मेमोरी गई है वो थोड़ी थोड़ी वापस आने लगे तो इसीलिए ऑब्वियसली फैमिली वाले नहीं चाहते कि जया की मेमोरी वापस आए बिकॉज एज यू नो बहुत कुछ पता चल गया था जया को बिफोर शी यू नो लॉस्ट हर मेमोरी बट ऑब्वियसली बाबा को तो ये पता नहीं है तो इसीलिए उन्होंने बिस्किट्स बनवाए हैं जया के लिए ओके अगर जया की याददाश्त वापस आ जाए तो सबसे पहले वो टारगेट किसको मेरे ख्याल से तो बेचारा जय उसको ही टारगेट बनाएगी बिकॉज ऑफ जस्ट फाइंडिंग आउट द ट्रूथ जो भी हुआ था बट आई मीन अभी तक तो लेट्स सी व्हाट हैपेंस सो फार सो शी इज़ जस्ट फाइंडिंग आउट हर रियल सेल्फ आफ्टर लूजिंग हर मेमोरी तो अभी तो बहुत टाइम है उसके लिए एंड मुझे बहुत मज़ा आ रहा है बिकॉज लाइक जो पहले कैरेक्टर था जया का आफ्टर मेमोरी लॉस वो लाइक ऑलमोस्ट लाइक इट्स बीन नॉट अ 360 डिग्री लाइक 180 सॉर्ट ऑफ टर्न ही हो गया है पहले बहुत स्वीट नाइव वैसे सब थी जया नाउ शी इज़ मोर फर्म एंड शी इज़ वेरी क्लियर एंड बिकॉज उसको जय पता नहीं है कौन है तो शी ट्रीट्स हिम लाइक एनी अदर बॉय जो ज़्यादा ही अटेंशन देता है उसको पता नहीं क्यों तो उसको पसंद नहीं आता हो 26 जनवरी आ रहा है क्या विश देना चाहिए आई वुड विश एवरीवन हैप्पी रिपब्लिक डे आई वुड रिक्वेस्ट एवरीवन टू डू व्हाटएवर लिटिल बिट दे कैन फॉर द बेटरमेंट ऑफ आवर कंट्री आई वुड आल्सो ट्राई टू डू द सेम एंड या दैट्स अबाउट इट हैप्पी रिपब्लिक डे थैंक यू सब लोग आ चुके हैं रेडी हाँ निखिल सलाहकार सर आप लोग का रूम हाँ ये काका ठीक है जया दीदी आएंगे ये बराबर और जय हाँ सर वो ये दोनों हाँ ये दोनों इधर ही आएंगे ठीक है जय और शिविंग एंड एक्शन एक्शन
अच्छा हो गया आप सब लोग आ गए, सही वक्त पे आ गए। अभी मैं बस बिस्कुट चखने वाला था। हाँ चखिए चखिए, देखिए लोग चखिए कैसे बने हैं, बने हैं पता तो चले, कहीं फिर से साइड इफेक्ट होकर आपको भ्रम ना होने लगे। हाँ काका चखिए। दीपक चक दे हो चक दे इंडिया, नहीं लुक अलग अलग पहले चखिए चखिए दीपक चक दे हो चक दे इंडिया। उसको किसने बुलाया? अरे अंकल उर्मिला ने बोला। अरे अंकल छोड़िए ना, इसको ऐसे समझिए ये मिस्टर इंडिया, मिस्टर इंडिया। अब ध्यान ही मत दीजिए, अब इसको चेक कीजिए, चेक कीजिए। रुक जाइए, बुलाया बाहर से, बाहर बाहर से, बाहर बाहर से औरत आई, बूढ़ा आया, इसे पहले नहीं था वो हमारा। एक्शन चेक चेक। अरे आप क्या कर रहे हैं? हमने आपको बोला था कि हमका यादा साला बिस्कुट पहले हमको दीजिए, फिर भी आप नहीं समझते। बुढ़ो ने बोला था। अरे खाली बात करने से कछु नहीं होगा, जाकर वो बिस्कुट लेकर आओ। और वो आई औरत और वो ले लिया और वो खाया। खा रहा है और हाँ हाँ याद आया, मेरा नाम राम प्रसाद, बिरार में बंबई में रहता है। ओ भाई मुंबई में बिहार कब से आ गया? औरत ने कहा अरे बिहार नहीं बिरार, बिरार हुआ ना उन्हारा से पड़ा के आगे जो पड़ता है वो वाला। उसने अपने पति को कहा अजी सुनो तो ये सब तो मालूम है, आप बस ये पता लगाओ कि वो कंगनवा कहाँ रखे हो। पूछ रहा है कुछ जवाब नहीं दे रहा है, नहीं याद आ रहा है। खाओ खाओ बिस्कुट खाओ। वो खाया और उसने कहा इंकलाब जिंदाबाद। आगे गया पुष्पावती, हमारे वतन के लिए हमको विदेशी कपड़ा जलाना ही होगा। पीछे आया वो खड़ा हो गया वाइफ के बगल में, उसकी वाइफ ने कहा अरे हमारा नाम पुष्पावती नहीं हम, और आप राम प्रसाद हैं, हम आपकी पत्नी है, पत्नी। हमारा कंगन आप कहाँ रखे वो याद करो, वो ज्यादा जरूरी है। हाँ 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 आया और रानी गुलामती आगे गया तो ये कैसी बेहूदा बातें कर रही हो, हम अपने राजपाट पर ध्यान दे या फिर तुम्हारे कंगन पे। बीवी ने कहा हे भगवान अब क्या बोल रहे हैं। लोखंडे जी के टाइम की बीवी उसकी ये कैसा बिस्कुट खिला दिया आपने। बूढ़ों ने कहा हमारे घराने की औरत रोया नहीं करती पुष्पावती, ये कंगन के लिए इतना गुलाब जल मत बहाओ, चलो हम तुम्हें अपना खुफिया खजाना दिखाते हैं। बोल के लगड़ाते बहन जी माफ कर दीजिए, वो क्या है दवाई थोड़ी ज्यादा ही तेज हो गई, तो सिर्फ इस जन्म का नहीं वो पिछले जन्म का भी उनको सब याद आने लगा। उन्होंने बोला पीछे से रानी गुलाबपति किस नाचिस से बात कर रही हो, हमें खजाना देखने जाना है, चलो। माफ कीजिए बहन जी। दीदी ने कहा अरे भाई साहब आपकी माफी मांग रहे हैं, उल्टा मैं आपको धन्यवाद देना चाहती हूँ, हमको तो सिर्फ हमारा कंगन चाहिए था, लेकिन ये जो है हमारे ये हमको पूरा खजाना देना चाहते हैं, तो आपको धन्यवाद, चलते हैं। वहां से चिल्लाया रानी गुलाबती चलो सिपाहियों आ जाओ। अब हमें धनबाद जाना पड़ेगा। अरे पगले धनबाद नहीं रे, वो धन्यवाद बोल रही थी। हाँ। तो वो लोगों में वो को वो बोलते हैं। अच्छा हाँ इसीलिए वो बिहार को बिहार बोल रही थी। हाँ 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 किसी ने कहा वो सब तो ठीक है, मतलब वो सब तो ठीक है, लेकिन ये दवाई इतना ज्यादा असरदार कैसे बनी? सुधाकर क्या क्या तुमने ऐसे कैसे हो गया? मैंने तो 24 घंटे जड़ी बूटी पीसी थी। मिला सिर्फ तुमने अकेले ने 24 घंटे दवाई पी थी? वो मैं वो अब क्या तुम्हारा भी वो का वो हो गया क्या? वो नहीं वो, फिर वो मैं काका मैं थोड़ा थक गया था ना,
तो मैंने बताने लगे म्यूजिक में शायद बता रहे बीच में फ्लैश भी चला गया चल रहा था बोलने का तो एक्शन ले लीजिए सर और ये करने लगा और इसको बुलाया और इसने पीस दिया और ये जंगली स्टाइल में इसने पीसा सब आपको पता चल गया एंड ब्लॉक एंड कंटिन्यू ये तू लोग पूरी सके तो छनपड़ा करा जे मालूम है ये खर किस धातु का बना हुआ है जितना ज्यादा पीसेगा ना वो रासायनिक प्रक्रिया हो जाती है और ये इसमें आ गया वो किसी ने कहा काम भी ठीक ठीक थी आज फिर से जाने का पिताजी ये तो अच्छा हुआ कि कहीं जया पिछले जन्म में चली जाती तो लेने के देने पड़ जाते बेटे लेने के देने नहीं अभी पड़ेंगे ना नहीं वाले एक्चुअल मेरे बेटे लेने के देने तो अभी पड़ने वाले मैंने जया को बुला लिया है नाश्ते के लिए कहा उसको वो आयुर्वेदिक बिस्किट खाने के लिए आ जाओ बाबा वेरी नाइस लोखंडे सर पकड़ मैं अगर